नमस्कार। आज मैं काम सितंबर म्यूजिक को समझाऊंगा। बहुत इजी है, सिंपल। ए माइनर स्केल और ए मेजर स्केल दोनों ही लगते हैं इसमें। काम सितंबर म्यूजिक बहुत फेमस है, मैं भी बचपन में सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत जगह बजाए हैं मैं और मुझे बहुत क्लैप मिला, बहुत प्यार मिला। आज मैं बहुत इजी तरह इसी को समझाऊंगा। आप सबको मालूम है ए माइनर स्केल और ए मेजर स्केल। ए माइनर स्केल में ए बी सी डी ई एफ जी लगता है और ए मेजर स्केल में ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। अब इसी में आपको मैं स्केल के बारे में पहले बता देता हूँ। पहले देख लीजिए ए माइनर स्केल कैसे बजता है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ए, वन ऑक्टेव हो गया। दूसरा ऑक्टेव ए बी सी डी ई एफ जी ए, ए माइनर स्केल हो गया। अब मैं ए मेजर स्केल में समझाऊंगा, ए मेजर स्केल बताऊंगा क्या होता है। जैसे कि ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, फिर नेक्स्ट ऑक्टेव ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। और इसमें और कुछ ज़्यादा नोट लगता है, जैसे कि ए वन ऑक्टेव हाई में ए बी सी शार्प, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहले नट पोजीशन में हम बजा दिए ए माइनर स्केल, फिर अभी फिफ्थ पोजीशन में ए माइनर स्केल बजाएंगे। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी, यहाँ तक मुझे मिल रहा है। और ए मेजर स्केल ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प, यहाँ तक आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए नट पोजीशन में इसी म्यूजिक को समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ है 4/4 टाइमिंग, टाइम सिग्नेचर 4/4 और ये 2 बीट का रेस्ट है। रेस्ट ई डी सी बी, रेस्ट ई डी सी बी। कैसे बजाएंगे हम लोग? रेस्ट ई डी सी बी, रेस्ट ई डी सी बी, समझ गए। नेक्स्ट बार में क्या है? ए टू सी फोर, ए टू सी फोर। अब मैं दो बार समझा रहा हूँ। रेस्ट ई डी सी बी ए टू सी फोर, रेस्ट ई डी सी बी ए टू सी फोर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद टा अट्टा, फिर ई आ गया, टा अट्टा आ टा। कैसे बजाएं? ई ए ई, ई ए ई। अब पूरा दिखा रहा हूँ मैं। रेस्ट ई डी सी बी ए टू सी फोर ए ए ई। इसके बाद डी टू एफ फोर, कहाँ बजाएंगे? डी टू एफ फोर, ए एफ डी ए, वन एंड हाफ काउंट ए और इधर हाफ काउंट
टा ए एफ डी। उसके बाद ई टू थ्री फोर, ई टू थ्री फोर, फिर रेस्ट डी सी बी, रेस्ट डी सी बी। समझ गए? तो ये लाइन पूरा बजा रहा हूं मैं, 1 2 3 4, डी टू एफ फोर, ए एफ डी, ई टू थ्री फोर, रेस्ट डी ई बी। यहां तक हो गया। इसके बाद सी बी ए थ्री फोर, आपको मालूम है ये थ्री कौन का है? सी बी ए थ्री फोर, थ्री फोर, फिर रेस्ट रेस्ट ई डी सी बी, रेस्ट रेस्ट ई डी सी बी, फिर ए टू सी फोर। फिर देखिए ई ए ई, ई ए ई, फिर आ गया डी टू एफ फोर, ए एफ डी, डी टू एफ फोर, ए एफ डी। फिर नेक्स्ट आ रहा है ई टू थ्री फोर, रेस्ट डी सी बी, ई टू थ्री फोर, रेस्ट डी सी बी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद सी शार्प बी ए, सी शार्प दो बी एक बीट में है, सी शार्प बी, टा 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 थ्री फोर, जैसे कि सी शार्प यहाँ थ्री फोर, थ्री फोर। फिर अब यहाँ से देखिए रेस्ट रेस्ट ए ए, रेस्ट रेस्ट ए ए। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बाद में एक साथ समझाऊंगा। ए ए हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, ए रेस्ट ए, टा अट्टा टा टा अट्टा, ए ए ए ए ए ए ए ए। ये फर्स्ट फिंगर से बजाइएगा ताकि यहां पर जा सके हम लोग, ए बी सी शार्प। उसके बाद ए ए ए सी शार्प, फिर बी ए, बी ए, यहां आ गया टाटा टा टाटा। इसको टाई दिया हुआ है, मतलब ये स्ट्रोक नहीं करेंगे, टाटा टाटा है, इसमें टाई दिया है, टाटा टा, यहाँ तक टाई दिया हुआ है। तो मतलब ए फ्लैट, ए नेचुरल, फिर ए फ्लैट, ए फ्लैट, ए नेचुरल, फिर ए फ्लैट, टाटा टा, फिर एफ शार्प ई। फिर सी शार्प, इसके बाद डी ई फ्लैट ई नेचुरल, टाटा टा थ्री फोर, थ्री फोर, बी ए फ्लैट और ए फ्लैट एफ शार्प, डी ई फ्लैट ई नेचुरल, टाटा टा। फिर डी सी शार्प बी, फिर ए ए फ्लैट, ये जो ए फ्लैट है ए भी ए फ्लैट होगा, ए फ्लैट एफ शार्प। इसके बाद ई रेस्ट बी सी शार्प, बी सी शार्प हो गया, डी सी शार्प, टा 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 टा, डी सी शार्प, डी सी शार्प ई। अब यहां से ई सी डी सी ई, मतलब यहां सी शार्प, टा 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 आ टा 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 टा।
यहाँ तक हो गया। इसके बाद टा 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 3 4 रेस्ट रेस्ट टा 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 टा। फिर शुरू से 1 2 टा 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 सेम नोटेशन। अब मैं आपको पूरा एक साथ सुनाता हूँ, देखिए कैसे लगता है। 1 2 मुझे लगता है आप समझ गए। फिर से मैं एक बार रिदम के साथ बजाता हूँ। इसे बजाने से पहले 4 बार कॉर्ड्स बजाइए। ये किस तरह से बजेगा, जैसे कि ए माइनर स्केल, ए माइनर कॉर्ड। 1 2 3 4 यहाँ तक बजाने के बाद फिर हम लोग म्यूजिक से आएंगे। बस यहीं तक आप प्रैक्टिस कीजिए और स्लो और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छा बजाएंगे। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया, अगर समझ में ना आए तो मुझे कॉल कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, आज इतने ही रहने दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।